हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इडली और सांभर बनाने की ऑथेंटिक रेसिपी। आज डिनर में सबका मन कर रहा था कुछ डिफरेंट खाने का, तो मैंने बता दिया कि भाई आज तो बनने वाला है इडली और सांभर, और सबका फेवरेट है, सभी लोग बहुत शौक से खाते हैं और मुझे लगता है ये सभी का फेवरेट होता है। इडली में जो भी आपकी कंप्लेंट्स होती हैं कि वो ठंडी होने पर बहुत ज़्यादा सूख जाती हैं या वो फूलते नहीं हैं, तो इन सब का सॉल्यूशन आपको मिलेगा इस वीडियो में। और सांभर का टेस्ट आपको बिल्कुल वैसा ही लगेगा जैसा आप रेस्टोरेंट में खाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले चावल और दाल हम भिगाएंगे, और कितने रेशियो में भिगाना है तो चलिए इसे हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले चावल हमें सिलेक्ट करना है। चावल बिल्कुल छोटे साइज़ का मैंने लिया है, और यहाँ पर जो मैंने चावल लिया है वो इडली राइस है, ये इसी नाम से आता है, या फिर आप पारबॉइल्ड राइस के नाम से ले सकते हैं। इसमें बासमती राइस बिल्कुल भी यूज़ ना करें, कोई भी लॉन्ग ग्रेन राइस हमें यूज़ नहीं करना है। ये मैंने 3 कप लिया है। उड़द दाल हम लेंगे, मैंने यहाँ पर साबुत उड़द दाल लिया है, ये 1 कप लिया है। तो यहाँ पर अगर आपको साबुत उड़द दाल ना मिले तो आप जो नॉर्मल स्प्लिट उड़द दाल होती है वो ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने चावल को 3 बार मैंने धो लिया जिससे इसका स्टार्च निकल जाए। उड़द की दाल को हम 1 से 2 बार ही धोएंगे, इससे ज़्यादा नहीं धोना है, क्योंकि इसके अंदर कुछ क्वालिटीज़ होती हैं जिससे कि हमारा जो बैटर फर्मेंट करने में ये बहुत हेल्प करता है। तो इसका जो पानी है वो हमें फेंकना नहीं है, इसके पानी को हम यूज़ करेंगे। अब दाल और चावल को कम से कम 5 से 6 घंटे भिगा कर रखना है। तो 5 से 6 घंटे मैंने इसे भिगा लिया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर अब हम चावल को सबसे पहले ग्राइंड करेंगे। तो चावल का हमने पानी निकाल दिया है, चावल में हम दाल का जो पानी है वो डालकर इसे ग्राइंड करेंगे, और थोड़ा सा आप नॉर्मल वाटर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन दाल का पानी हमें यूज़ करना है। तो यहाँ पर मैंने चावल को 2 बैच में पीस लिया है, और इसकी कंसिस्टेंसी आपको थिक रखनी है, बिल्कुल भी पानी ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है जिससे आपका अंदाज़ा हो जाएगा, तो थिक बैटर होना चाहिए। तो राइस का बैटर हमने पीस लिया है 2 बैच में। यहाँ पर मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी, अगर आपके पास पारबॉइल्ड राइस नहीं मिल रहा है या फिर इडली राइस नहीं मिल रहा है, कोई नॉर्मल आपने दूसरा छोटा राइस लिया है, और जब उसे आप पीसेंगे उस टाइम आपको या तो कुक्ड राइस डालना है या फिर पोहा, भीगा हुआ पोहा, ये दोनों में से कोई एक आपको डालना है, इससे भी आपकी जो इडली है वो बहुत ही सॉफ्ट बनेगी। तो ये एक टिप है। अब इसी जार में हम उड़द की दाल को पीस लेंगे, तो इसमें जो दाल का पानी है इसी को यूज़ करके और पीस लेंगे, और इसका भी फाइन पेस्ट बना लेंगे। दोनों बैटर को मैंने एक बड़े बर्तन में डाल दिया है। अब इसमें नमक डालेंगे 1.5 टीस्पून, और इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। कम से कम 4 से 5 मिनट आपको इसे हाथों से फेंटना है जिससे कि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। अब इसे हम रख देंगे ओवरनाइट के लिए, या फिर कम से कम 7 से 8 घंटे के लिए आप इसे रख दें जिससे कि ये अच्छे से फर्मेंट हो जाए। टाइम वेरी हो सकता है क्योंकि ये डिपेंड करता है वेदर पे, अगर वेदर गर्म है तो जल्दी फर्मेंट हो जाएगा, अगर वेदर ठंडा है तो इसमें 10 घंटे से ज़्यादा भी लग सकता है। तो नेक्स्ट डे अब ये फर्मेंट हो चुका है, और आप देख सकते हैं कि कितना लाइट और फ्लफ़ी हुआ है ये बैटर, बहुत ही अच्छी तरह से फर्मेंट हो गया है, बहुत ही लाइट फ्लफ़ी, और पहले से थोड़ा सा ये थिक भी हो गया है। तो जो कंसिस्टेंसी है बिल्कुल परफेक्ट है इडली के लिए। अगर आपको लग रहा है कि आपका बैटर ज़्यादा थिक है तो आप उसमें थोड़ा पानी डाल के एडजस्ट कर सकते हैं। इडली का बैटर रेडी है, अभी हम सांभर यहाँ पर पहले बना लेते हैं। तो बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल सांभर बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है 1/3 कप तुअर की दाल, इसे मैंने भिगा कर रख दिया था 20 मिनट के लिए। अब इसे प्रेशर कुकर में ऐड करेंगे, इसमें 2 ग्लास पानी ऐड किया है, नमक 1 टीस्पून और हल्दी 1/2 टीस्पून। तो इसे हम नॉर्मल जैसे दाल कुक करते हैं बस वैसे ही इसे पका लेना है। तो यहाँ पर हम दाल को पकने देते हैं, और दूसरी साइड हम सांभर के लिए मसाला रेडी करते हैं। तो हम होममेड सांभर का मसाला बनाएंगे, बहुत ही ज़बरदस्त है, आप इसे ज़रूर ट्राई करना। ट्राई करके आप मुझे कमेंट ज़रूर करना कि आपका सांभर कैसा बना। तो यहाँ पर सबसे पहले तेल लिया है हमने 3-4 टेबल स्पून।
अब इसमें हींग लेंगे हम 1/4 टीस्पून, हाफ टी स्पून राई लेंगे, हाफ टी स्पून जीरा, हाफ टी स्पून साबुत काली मिर्ची, 1 टीस्पून उड़द की दाल, स्प्लिट उड़द की दाल, थोड़ा सा इसे हम मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें चने की दाल डालेंगे 1 टेबलस्पून, 2 टेबलस्पून साबुत धनिया, और इसे मिक्स करते जाएंगे जिससे कि मसाले जले नहीं। अब इसमें हमने लिया है कड़ी पत्ता, 8 से 10 कड़ी पत्ता ऐड करेंगे। इसमें 8 मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ऐड की है, जो कम तीखी होती है, बहुत ज़्यादा नहीं होती है। 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 5 से 6 लहसुन की कलियाँ, 1 टीस्पून मेथी दाना ऐड करेंगे, 2 हरी मिर्चें, 1 छोटे साइज का प्याज ले लेंगे जिसे रफली हमने स्लाइस में कट कर लिया है। इन चीज़ों को थोड़ा सा भून लेते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे हम फ्रेश नारियल, ताज़ा जो नारियल होता है, 1/4 कप। तो सबसे लास्ट में हमें नारियल डालना है और इसे बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बस हल्का सा उसका कलर चेंज हो जाए तब तक हमें भून लेना है लो फ्लेम पर। अब इसे हम ठंडा होने देते हैं। तब तक हम सांभर के लिए कुछ सब्जियां काट लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 बड़े साइज़ का प्याज लिया है और इसे हम मोटे मोटे क्यूब्स में काट लेंगे। तो जैसे आप देख रहे हैं, इसको मैंने स्क्वायर शेप में कट कर लिया है, थोड़े से क्यूब जैसे दिख रहे हैं, तो बस इसी तरह से काट लेना है। ऐसे ही हम टमाटर भी काट लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 टमाटर लिए हैं और इसे क्यूब में काट लेंगे, मोटे मोटे पीसेस में ही काटना है। और सांभर में बेसिकली सब मोटे ही क्यूब्स में काटे जाते हैं, मोटे पीस होते हैं। तो यहाँ पर मैंने पम्पकिन लिया है, कद्दू 200 ग्राम, छोटा सा मैंने लौकी का टुकड़ा लिया है, और 2 मैंने ड्रमस्टिक लिया है, इसे मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। तो वेजिटेबल्स में आप चाहें और भी कुछ डाल सकते हैं, जैसे कि बैंगन डाल सकते हैं आप, तो आप अपनी चॉइस के हिसाब से वेजिटेबल्स और भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर दाल अच्छे से पक चुका है और इसे हम एक बार मिक्स कर लेते हैं। तो दाल आपकी पतली होनी चाहिए, क्योंकि सांभर जो होता है उसकी कंसिस्टेंसी बहुत पतली होती है, दाल कम यूज़ करते हैं, पानी ज़्यादा। अब यहाँ पर मसाला हमारा बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो गया है, इसमें थोड़ा सा पानी डाल के और इसका फाइन पेस्ट बना लेंगे। तो ये हमारा सांभर मसाला बनके रेडी है, और इससे जब आप सांभर बनाएंगे ना, आपको लगेगा कि आप वाकई रेस्टोरेंट में खा रहे हैं। तो ये हमारा सांभर मसाला बनके रेडी है। सब्जी भी हमारी सब रेडी है, हमने सब्जियों को भी कट कर लिया है। तो यहाँ पर मैंने गहरा बर्तन ले लिया है, इसमें ऐड किया है 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल। तेल जैसे ही गर्म हो जाए, इसमें 1/2 टीस्पून राई ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून ज़ीरा ऐड करेंगे। अब इसके बाद ऐड कर देंगे हम प्याज जो हमने क्यूब्स में काटे थे। थोड़ा सा इसे हम फ्राई कर लेते हैं, बिल्कुल इसे थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक ही पकाना है, इसका कलर चेंज नहीं करना है, बस हल्का सा सॉफ्ट हो जाए। जैसे ही सॉफ्ट हो जाएगा, इसके बाद इसमें हम टमाटर ऐड कर देंगे, और टमाटर को भी तब तक पकाएंगे जब तक थोड़ा सा सॉफ्ट ना हो जाए। अब इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी और कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर 1/2 टीस्पून। टमाटर थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए तो इसमें ऐड करेंगे हम गरम पानी। तो यहाँ पर मैंने 1.5 लीटर गरम पानी ऐड किया है, इसे हम ढक देंगे और बॉईल आने देंगे। तो यहाँ पर अच्छे से बॉईल आ गया है, अब इसमें बाकी की चीजें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हमने जो सब्जियां काट के रखी थी, इसे ऐड कर देंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे। और इसमें ऐड कर देंगे हम दाल जो हमने पका के रखा था, और यहाँ पर जो हमने सांभर मसाला बनाया था उसमें से 1/2 क्वांटिटी ही मैं ऐड कर रही हूँ, और 1/2 क्वांटिटी मैं इसे मैं फ्रिज में रख दूंगी। जब मुझे नेक्स्ट टाइम अभी सांभर बनाना होगा तब मैं बनाऊंगी। अब इसमें ऐड करेंगे हम नमक, इसको हम टेस्ट कर लेंगे, क्योंकि हमने दाल में नमक ऐड किया था, तो इसके अकॉर्डिंग नमक मैंने ऐड कर दिया है 1.5 टीस्पून।
और इसकी जो कंसिस्टेंसी है ये आप देख रहे हैं एकदम पतली है। अभी इसे हम पकाएंगे तो थोड़ा सा ये रिड्यूस होगा, थोड़ा सा थिक होगा। अब इसमें हमें इमली का पानी ऐड करना है, तो मैंने इमली थोड़ा सा भिगा के रख दिया था, तो 4 टेबल स्पून इमली का पानी ऐड करना है। और यहाँ पर मेरे पास गुड़ का पाउडर था तो मैंने 2 टेबल स्पून भर कर डाला है। तो ये खट्टा और जो मीठा होता है सांभर में, ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लीजिएगा। किसी को ज़्यादा थोड़ा मिठास पसंद होती है, किसी को थोड़ा सा कम, तो यहाँ पर मुझे दोनों बिल्कुल बैलेंस अच्छा लगता है। हल्की सी खटास और हल्की सी मिठास होनी चाहिए, तो ये सांभर बहुत ही टेस्टी बनता है। तो ये सब डाल के अब इसे हम 20 से 25 मिनट हम पकने देंगे सांभर को। तो मैंने ढक के साइड में रख दिया है। अब यहाँ पे इडली बनाना स्टार्ट करते हैं, तो इसके लिए मैंने स्टीमर रख दिया है। स्टीमर में पानी मैंने डाल के रख दिया है, कम से कम 2 से 3 ग्लास मैंने पानी डाल दिया है। अब यहाँ पे जो इडली का सांचा है इसे थोड़ा सा ऑयल या बटर से ग्रीस कर लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे बिल्कुल फ्लफी हमारा इडली का बैटर। तो इसमें मैंने बैटर भर दिया है। अब इसे हम स्टीम करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 प्लेट्स इसमें रख दिया है, तो इसमें 14 इडली बन जाएंगे। इसे ढककर हम हाई फ्लेम पर 10 मिनट के लिए पकने देते हैं, 10 से 12 मिनट के लिए। जब तक इडली हमारी बन रही है, यहाँ पर हम सांभर के लिए तड़का बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल में 1/4 टीस्पून हींग ऐड किया है, 1/2 टीस्पून राई, 1/2 टीस्पून मेथी दाना, चने की दाल लेंगे हम 1 टीस्पून, और इसे थोड़ा सा हम स्टर कर लेते हैं जब तक कि चने की दाल है उसका कलर थोड़ा चेंज ना हो जाए, हल्का डार्क थोड़ा सा ब्राउन हो जाए तब तक उसे हम भून लेते हैं। इसमें 8 से 10 कड़ी पत्ता डालेंगे, और अब इसमें 2 साबुत मिर्चें डालेंगे, और इसे अब हम सांभर में ऐड कर देंगे। तो ये हमारा सांभर बन के बिल्कुल रेडी है, और ये जो कंसिस्टेंसी है बिल्कुल परफेक्ट है, ऐसी ही होनी चाहिए। और यहाँ पे जो सब्जियाँ थी, सब्जियाँ भी अच्छे से पक गई हैं। तो सांभर भी बहुत तरह से बनती है। अगर आप रेस्टोरेंट में खाते हैं तो वहाँ का सांभर अलग है, अगर आप साउथ में जाते हैं तो वहाँ भी अलग अलग सांभर बनते हैं। तो यहाँ पे 12 मिनट हो गए हैं और इडली अच्छे से पक चुकी है। तो इसे 1 मिनट के लिए मैंने थोड़ा सा ठंडा किया है, और अब इसे हम निकाल लेते हैं। तो ये हमारी बहुत ही सॉफ्ट फ्लफी इडली बनके रेडी है। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर, ये बहुत ही बिल्कुल जालीदार कहते हैं ना, बिल्कुल सॉफ्ट और जालीदार बनी है, और बहुत ज़्यादा स्पॉन्जी है। तो ये बहुत ही नरम मुलायम इडली बनके रेडी है, बिल्कुल परफेक्ट है। तो आज मैंने आपके साथ इडली और सांभर की रेसिपी शेयर की है। अब आने वाली वीडियोस में आपके साथ परफेक्ट पेपर डोसा बनाने की रेसिपी भी शेयर करूंगी, चटनी बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। और आपको वीडियो पसंद आती है तो आप इसे ज़रूर शेयर करें, फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर करें, और वीडियो आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लगी है तो लाइक ज़रूर करें। तो चलिए अब इडली सर्व करते हैं। मैंने अपने लोकल मार्केट में बहुत सर्च किया, मुझे कहीं बनाना लीफ नहीं मिला, क्योंकि ट्रेडिशनली बनाना लीफ में सर्व किया जाता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ पर मुझे मिला नहीं। तो इस तरह से सर्व करके दिखा रही हूँ। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो हमेशा की तरह लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल डे।